फ्रेंड्स अगेन वेलकम यू एजुकेशन हब HRI। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट बताने वाला हूँ यानी मेटाफर। सेकेंड पार्ट है मेटाफर यानी रूपक अलंकार। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि मेटाफर यानी रूपक अलंकार की डेफिनेशन क्या है और उसको हम कैसे पहचानेंगे कि किस सेंटेंस में मेटाफर है। तो मेटाफर की डेफिनेशन होती है मेटाफर ऑफ मेटाफर इज अ फिगर अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच A metaphor is a figure of speech that makes a comparison between two unlike things the words like and as the words like and as are not used। मेटाफर यानी रूपक में क्या होता है कि यहाँ पर सीधे सीधे हम अगर किसी शब्दों की या किसी वस्तुओं की तुलना कर रहे हैं तो सीधे सीधे तुलना कर देते हैं। यहाँ पर हम लाइक और एज का प्रयोग नहीं करते हैं। लाइफ इज अ ड्रीम। Life is a dream। तो यहाँ पर मैंने सीधे सीधे इसमें लिखा हुआ है Life is a dream। जो जीवन है वो एक स्वप्न है या सपना है। तो यहाँ पर सीधे तौर पे कह दिया गया है कि जीवन एक सपना है, स्वप्न है। यहाँ पर इन वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है यानी like और as का यूज नहीं किया जाता है। सेकेंड, इन वर्डों का, इन शब्दों का यूज नहीं करना है मुझे लाइक और एज का। सेकेंड है हूज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट। हूज आर्मर जिसका कवच ही उसका ईमानदार विचार है यानी फूज आर्मर जिसका कवच ही उसका ईमानदार विचार है। तो यहाँ पर भी मेटाफर होगा इसमें क्योंकि यहाँ पर लाइक और एज का यूज नहीं किया गया है लेकिन दो थिंग्स के बीच में कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है फूज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट। जिसका कंसाइंस इज हिज उसका स्ट्रांग रिट्रीट है। यहाँ पर भी स्ट्रांग रिट्रीट और कंसाइंस में कंपेयर की गई है। किस में कंपेयर की गई है तो कंसाइंस और स्ट्रांग रिट्रीट में यानी स्ट्रांग रिट्रीट में कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर भी मेटाफर ही होगा। आई सी लिली ऑन द आई ब्रो तो यहाँ पर भी लिली ऑन द आई
ब्रो में कंपेयर किया गया है, तो इसमें भी मेटाफर होगा। द वर्ड इज अ स्टेज, जो वर्ड है वो एक स्टेज है, यानी संसार एक स्टेज है। तो यहाँ पर भी जो वर्ड है इसकी कंपेयर की गई है स्टेज से, तो यहाँ पर भी मेटाफर होगा। मेटाफर में कंपेयर तो किया जाता है, लेकिन लाइक और एज शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर, हिज हार्ट इज कोल्ड रेन। तो यहाँ पर हार्ट और कोल्ड आयरन, हिज हार्ट इज अ कोल्ड आयरन, यहाँ पर हार्ट और कोल्ड आयरन में कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन लाइक और एज का यूज नहीं हुआ है, कंपेयर हो रहा है, यानी सीधे सीधे हार्ट को कोल्ड आयरन कहा गया है। तो यहाँ पर भी मेटाफर होगा, यानी इसमें भी मेटाफर होगा। 7, योर ब्रेन इज कंप्यूटर, योर ब्रेन इज कंप्यूटर या इज अ कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो ब्रेन है उसकी कंपैरिजन कंप्यूटर से की जा रही है, तो यहाँ पर भी मेटाफर होगा। नेक्स्ट 8 नंबर है, द सन इज गोल्डन बॉल, द सन इज गोल्डन बॉल, जो सन की कंपैरिजन है वो गोल्डन बॉल से की जा रही है। 9 नंबर, द काम लेक, काम लेक यानी जो शांत झील है, इज अ मिरर, वो एक दर्पण है, जो शांत झील है वह एक दर्पण है, यानी शांत झील की तुलना एक दर्पण से की जा रही है, और यहाँ पर लाइक एज का यूज नहीं किया गया है, तो फिर मेटाफर होगा। नेक्स्ट 10 नंबर, द मून इज अ व्हाइट बैलून, द मून इज अ व्हाइट बैलून, यानी मून की जो कंपैरिजन है कंपेयर वो व्हाइट बैलून से की जा रही है। जो मून है, चंद्रमा है, वो सफ़ेद बैलून यानी गुब्बारा है, तो यहाँ पर मून की कंपैरिजन व्हाइट बैलून से हो रही, तो यहाँ भी मेटाफर होगा। नेक्स्ट 11, ही इज शाइनिंग अ स्टार, ही इज यानी वह चमक रहा है, शाइनिंग अ स्टार एक तारे की तरह से, या वह चमक रहा है एक तारे जैसा, तो यहाँ पर भी सीधे सीधे कहा गया है ही इज अ शाइनिंग स्टार, वह एक चमकता हुआ तारा है, यानी वह कोई थिंग है जिसकी कंपैरिजन की जा रही है एक स्टार से, चमकते हुए स्टार से, शाइनिंग स्टार से, तो यहाँ पर भी मेटाफर होगा। नेक्स्ट 12 है, द स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट, यानी जो स्नो है, जो बर्फ है, वो कैसा है, एक वाइट ब्लैंकेट के जैसा है, तो यहाँ पर द स्नो यानी बर्फ की जो कंपेयर है, तुलना है, वो वाइट ब्लैंकेट से की जा रही है, तो यहाँ पर भी मेटाफर होगा। यानी मेटाफर में सिर्फ और सिमली में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो सिमली है, सिमली उसमें लाइक कॉमा एज यूज किया जाता है सिमली में, और मेटाफर में इसका यूज नहीं किया जाता है, यानी मेटाफर में यूज नहीं किया जाता है और सिमली में इसका यूज किया जाता है, ये इतना डिफरेंस है, बाकी सब इसमें सेम ही होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलेगा, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।